पद संख्या 451 45 है। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं को तुरत छाती छिपाऊं मैं तुरत छाती छिपाऊं मैं। रसीली रस भरी रस की उसे चर्चा सुनाऊं संतत परम सुख मैं बनाऊं मैं। चतुल चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पूज्य राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय।
पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। पूज्य बाबूजी का पद रत्नाकर, इसके विषय में भाई जी ने पद रत्नाकर के प्रारंभ में निवेदन किया। ये पद रत्नाकर कब लिखा गया? जब भाई जी की रुग्ण अवस्था हुई, मतलब जब भाई जी अस्वस्थ थे काफी, तो उस समय बाबूजी को परम एकांत प्राप्त हुआ। अकेले रहना एकांत में, गिरधारी कहाँ चला गया? चलो इतने आए, इतने श्री राम जय राम जय जय राम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। आगे गिरधारी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, टॉपिक रोका हुआ है मैंने। तो जब ये पद रत्नाकर लिखा गया तो उसके विषय में भाई जी निवेदन करते हैं कि मंगल में भगवान अनंत कृपा सिंधु, उन्होंने कृपा करके मंगल में रोग भेजा है। जब भाई जी बीमार हुए तो भाई जी निवेदन कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई जी कि भगवान ने कृपा करके रोग भेजा और महीनों बिछौनों पर पड़े रहना पड़ा मुझे। डॉक्टर वैद्यों ने सम्मति दी कि पूर्ण एकांत में पूरे आराम से रहना चाहिए आपको, लोग मिलने जुलने ना पाए, कोई काम ना करने दिया जाए भाई जी को। ऐसी स्थिति भाई जी की उस समय हो गई कि भाई जी आराम पे गए, अतः लोगों का मिलना जुलना प्राय बंद हो गया भाई जी से, काम रहा नहीं कुछ, सहज ही अधिक समय अकेले रहने का सुअवसर मिल गया जब एकांत में हुए। चिकित्सा औषधि पथ्य आदि के समय को छोड़कर शेष समय बाबूजी अकेले ही रहते थे, कमरे में बंद रहते, अकेले में रोग का चिंतन न करके मन दूसरे काम में लगता, और वह काम था आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण। भाई जी कहने लगे कि दवाई वगैरह लेने के बाद जो समय बचता उसमें अकेले में रोग का चिंतन न करके मन दूसरे काम में लगता, और वह काम था आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण। जीवन के सभी तरह के चित्र आते, सभी तरह के चित्र आते, कोई लोग संत कहते बड़ा बाबूजी को, कोई भक्त कहते और कोई महात्मा ही मानते बाबूजी को। बाबूजी कहते हैं ओह कितना बड़ा धोखा है कि लोग मुझे भक्त मानते हैं, जीवन में कितनी अपार दुर्बलताएं हैं, कितनी मलिनताएं हैं और कितने दोष भरे पड़े हैं, ऐसा बाबूजी कहते हैं। यह सब देखकर हृदय भर आता, सहज दैन्य भाव उदय होता और आंखों में आंसू छलक आते, मन दया सागर अकारण कृपालु सहज सुहृद पतित पावन के पवित्र पाद पद्मों में लौट जाता, एवं बार बार करुणापूर्ण भाव से अपने दोष बता बताकर अपनी अत्यंत दीन दशा की ओर दीन बंधु की दया दृष्टि को आकर्षित करता, ऐसा भाई जी कहते हैं। उस समय लोग कोई संत कहते कोई महात्मा कहते तो इस बात को सोचकर बाबूजी के नेत्र भर आते और वो अपनी दैन्यता को भगवान के चरणों में सौंप देते कि ऐसा लोग मुझे मानते हैं, और अपने दोषों को बताते भगवान के आगे। कभी स्वयं ही अपने को प्रबोध देने लगता मन। इसी बीच अब क्या होता, जब ये दृश्य चल रहा होता
तो इसी बीच में क्या होता, भाई जी एकांत में थे, इसी बीच मंद मंद मुस्कुराते हुए विश्व जन मन मोहन अनंत आनंद अम्बुधि श्री श्याम सुंदर आते। श्याम सुंदर बाबूजी के पास आते, हंसकर सिर पर वरद हस्त्र रखकर कहते, मूर्ख रो क्यों रहा है, मूर्ख रो क्यों रहा है, क्यों दीनहीन बनकर दुखी हो रहा है, चल मेरे साथ ब्रज में, चल मेरे साथ ब्रज में, देख वहां मेरी दिव्य लीला और परमानंद सागर में निमग्न हो जा। श्री श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद की मधुरतम वाणी सुनते ही मन का दैन्य भाग जाता है। मन मंत्र मुग्ध की भांति उसी क्षण चल पड़ता उनके पीछे पीछे। वे उसे परम रम्य क्षेत्र में छोड़कर चले जाते और लग जाते अपने लीला विहार में। बाबूजी ब्रजपुर में ले जाते, ब्रज में ले जाते और बाबूजी को अकेला छोड़ देते ठाकुर जी और स्वयं लीला विहार में लग जाते। तो भाई जी कहते हैं मन स्वच्छंद विचरण करता, कभी नंद बाबा के आंगन में, कभी यशोदा मैया के प्रांगण में, कभी गोष्ठ में जाता, कभी सखाओं के हास्य विनोद में चला जाता, कभी वन से लौटकर आवनी में, कभी कालिंदी के कूल पर, कभी रास मंडल में, कभी प्रेममयी गोपांगनाओं के समुदाय में, कभी अकेली गोपी के घर में और कभी किसी अकेली सखी के मन में। ऐसे बाबूजी का विचरण चलता था। कभी सखियों की मधुर प्रेम चर्चा के भीतर प्रवेश कर जाता मन, कभी वंशी वट पर और कभी सावन के झूलों में, कभी शारदीय झूलों में और कभी होली के रंग में, कभी नव प्रफुल्लित कुसुम सौरभित वृंदा कानन में चला जाता, वृंदा कानन में चला जाता और कभी बाबूजी शब्द यूज करते हैं श्री राधा रानी के लिए, श्रीमती के पास, और कभी ये मन श्रीमती के पास चला जाता, कभी श्री श्याम सुंदर के पास और कभी निभृत निकुंजों में प्रवेश कर जाता, कभी किशोर किशोरी की लीला विहार स्थली में, कभी उनके परस्पर होने वाले मधुरतम उच्च प्रेम के आलापों में प्रवेश कर जाता, कभी उद्धव गोपी मिलन में और कभी मथुरा में होने वाली श्री कृष्ण उद्धव मिलन में, कभी मथुरा जाने के पश्चात राधा तथा गोपांगनाओं की प्रेम विरह की दशा में प्रवेश कर जाता। इसी प्रकार एक दिन रात महीनों तक यह दैन्य और लीला दर्शन का क्रम चलता रहा। मन ने शत शत विविध विचित्र लीलाएं एवं श्री राधा कृष्ण की अनूप रूप माधुरी को उस समय देखा जब बाबूजी बीमार थे उस एकांत कमरे के अंदर। कौन से कमरे के अंदर? पावन कक्ष के अंदर, जिसमें हम दर्शन कर चुके हैं पावन कक्ष के। मन ने शत शत विविध विचित्र लीलाएं एवं श्री राधा कृष्ण की अनूप रूप माधुरी देखी समझी और किसी किसी लीला में सम्मिलित होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां जो देखा कभी कभी सौंदर्य सुधा सागर में जाकर अपने आप को मैंने खो दिया। वहां जो देखा वह सर्वथा अलौकिक दिव्य और मन वाणी से अतीत था, अत्यंत विलक्षण था, उसका पूर्ण वर्णन संभव नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं है, परंतु जितना कुछ शब्दों में आ सकता था उसके बहुत ही थोड़े अंश का दैन्य भाव की स्थिति में प्रकट मन के बहुत ही थोड़े से उद्गारों का इन तुकबंदियों में चित्रण करने का प्रयास मैंने किया है जो हमारे सामने पद रत्नाकर के रूप में प्रकट है। ये पूज्य बाबूजी की देखी हुई लीलाओं का वर्णन है, उनका दैन्य है, वो भी थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं, जो उनसे लिखा जा सका वो उन्होंने लिख दिया। पूज्य भैया कहते हैं कि तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्य अनंत। तो बाबूजी ने सारे माधुर्य को ढके हुए शब्दों में पद रत्नाकर में प्रस्तुत कर दिया। अपने भैया उसे खोल कर प्रस्तुत करते हैं, अपने भैया तो खोल कर प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द बाबूजी के जब मैंने पढ़े, मैंने कहा पद रत्नाकर का निवेदन भी तो पढ़ा जाए एक बार कि बाबूजी ने क्या लिखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा सभी भक्तों को सुनाऊँगा कि बाबूजी क्या लिखते हैं पद रत्नाकर के विषय में।
देखो ये महापुरुषों के जो पद होते हैं ना, आप किन्हीं भी महापुरुष का पद ले लीजिए, जिस राज्य में हम प्रवेश करना चाहते हैं वहाँ की छाया को प्रस्तुत करता है। और पूज्य भैया पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि इनको सुनते कहते पढ़ते उस राज्य का द्वार खुल जाता है। जिनकी रुचि इसमें जागृत हो जाती है उसका द्वार खुल जाता है, वहाँ की छाया को स्पर्श कर पाता है धीरे धीरे। भैया जैसा पढ़ेंगे रघुनाथ जी, आप दोबारा सुन लीजिएगा, अब हो चुका। अब मानस में नाम वंदना में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, भगवान के नाम के विषय में कहा गया है, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। बहुत सुलभ है भगवान नाम, और लोक में लोगे तो परलोक में निभाएगा आप। लोक लाहू पर लोक निबाहू, आप यहां लोगे तो परलोक का काम बना रहा है आपका। आगे कहते कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। ये कहने और सुनने में इतना प्रिय लगता है राम नाम, और इतना सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी को श्री राम और लक्ष्मण के समान दोनों प्यारे हैं। राम 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 कहने में आनंद आता है, राम 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 सुनने में आनंद आता है, मन से याद करें तो आनंद आता है। ऐसे राम नाम के ये दोनों अक्षर बड़े सुंदर और श्रेष्ठ हैं। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार विलक्षण बात कह रहे हैं मानो उनको कुछ होश नहीं है, मानो वो राम नाम में इतने मदहोश हैं कि उन्हें कुछ होश नहीं है। कहते हैं राम नाम कैसा है, तो कहते हैं राम लखन सम प्रिय तुलसी के। पट खोलेंगे महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया दार
ऐसा प्रिय राम नाम है कि गोस्वामी जी महाराज संतों को नाम महिमा सुनाते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों अक्षर सुंदर और प्यारे हैं, जैसे तुलसी को राम और लखन प्यारे हैं। रामचरितमानस समाप्त हुई तब रघुवंशी राम जी और उनके नाम, इन दोनों के विषय में एक बात कही गोस्वामी जी ने। क्या कहा? कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू मोहे राम। दोनों उदाहरण ऐसे दिए गोस्वामी जी ने जिनको हर एक आदमी समझ सके, जिसके जिसमें हर एक आदमी का मन खिंच जाए। सिद्धांत समझना हो तो दृष्टांत वही दिया जाता है जो हर एक आदमी के अनुभव में आता हो। परंतु यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम लखन सम प्रिय तुलसी के, राम लक्ष्मण के समान मुझे प्यारे लगते हैं। हर एक आदमी को क्या पता तुलसीदास जी को राम और लक्ष्मण कितने प्यारे हैं। राम लक्ष्मण उसको भी प्यारे लगे तब वह समझे राम नाम की महिमा क्या है। इतने ऊंचे कवि होकर कैसा दृष्टांत देते हैं, अब हम क्या समझें तुलसी को कैसे प्यारे लगते हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं मुझे ऐसे प्यारे लगते हैं। कैसे प्यारे लगते हैं? कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। कि मुझे ऐसे प्यारे लगते हैं राम और लखन जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को दाम प्यारा लगता है। पीछे वाले बंदे बोले कुछ नहीं, लाभ नहीं है सत्संग में बैठने का। मैं आगे बैठ के तो अगर मैं कीड़े मार देता हूँ फिर मैं चुप नहीं रह पाता भैया, सत्संग का अपमान देखा नहीं जाता मुझसे। बात को समझो सत्संग की, भगवान के नाम की महिमा चल रही है। फोन ये सब तो जीवन भर चलेगा, इधर से उधर व्हाट्सएप पे, चाहे भजन भी ट्रांसफर हो, चाहे कितना बड़ा सत्संग ट्रांसफर कर रहे हो, इस समय जो सामने बोला जा रहा वो सुन लेना चाहिए, है ना। असल में बात क्या है कि ज्ञान ज़्यादा है, सुन ज़्यादा लिया है इसलिए पच नहीं रहा है ना। तो पचने का कारण क्या है, पच क्यों नहीं रहा है? अपच हो गई है, संसार की अपच ने हमारे पाचन क्रिया को डामाडोल कर दिया है। इसलिए सत्संग जितनी गंभीरता से सुनना चाहिए उतनी गंभीरता से हम सुनेंगे तो जीवन पे असर करेगा। ये जो बुद्धि इधर उधर भागती है ना, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लड़कियों के पीछे, कभी उसके पीछे, बात समझ में अब आई है, बात समझ में अब आई है कि भैया ये सब नश्वर हैं, मल मूत्र की थैली है। और अभी भी पूरी समझ में नहीं आई है, ऊपरी समझ में आई है, क्योंकि सत्संग का प्रभाव रहता है ना दिमाग में, तो इसलिए ऐसा लगता है। नहीं तो अभी चार दिन सत्संग छोड़ दो, उसके बाद यही बंदा जो सत्संग बोल रहा है आपको बी ब्लॉक में मिलेगा। ये मानसिक धरातल है, ये मानसिक धरातल है जो निर्णय, और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, पूज्य राधा बाबा की बात कह रहा हूँ। आज जो ये हमारा मन निर्णय दे रहा है ना, हमें भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, माला करनी चाहिए, ये इसलिए निर्णय दे रहा है कि हम सत्संग में बैठते हैं, भैया की बातें सुनते हैं। कल को भैया की बातें सुननी छोड़ देंगे, सत्संग सुनना छोड़ देंगे, तो फिर आतंक मचा देगा ये दिमाग, फिर वही ढाक के तीन बात, इंस्टाग्राम पे आपकी फोटो छपती आएगी, नई नई रील बनाओगे, जिंदगी की रील खराब हो जाएगी और फिर फील खराब हो जाएगी, है ना, सब कुछ खराब हो जाएगा। इतना सुंदर प्रसंग चल रहा था, डिस्टर्ब हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कैसे राम जी का नाम प्यारा लगता है मुझे। गोस्वामी जी कहते हैं काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। मुझे ऐसा राम नाम प्यारा लगता है जैसे एक स्त्री में आसक्त पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है, 24 घंटे वो स्त्री का चिंतन करता है, ऐसे मुझे राम नाम का चिंतन रहता है, ऐसे मुझे राम नाम का चिंतन रहता है। और चिंतन रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं भर गया हूं, अघा गया हूं राम नाम से। लोभी प्रिय जिमी दाम, और आन दो और राम नाम, आन दो और राम नाम, और राम नाम, ऐसा प्यारा लगता है मुझे।
काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमेदा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहे राम। गोस्वामी जी महाराज ने दो नाम लिए, काम ही नारी प्यारी जिमी में लिया रघुनाथ और लोभी प्रिय जिमेदाम में लिया राम नाम। कामी को सुंदर रूप अच्छा लगता है और लोभी को पैसा प्यारा लगता है। वह सुंदरता की ओर नहीं देखता, वह गिनती देखता है और उसको गिनती अच्छी लगती है। रघुवंशियों के मालिक महाराजा अधिराज श्री राम विराजमान हैं, ऐसा उनका रूप और राम नाम ये दोनों प्यारे लगे, अर्थात भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम ये दोनों प्यारे लगे, ये दोनों प्यारे लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कवि व्यभिचारिणी और चोर ये तीनों ही सुवर्ण ढूंढते हैं। कवि व्यभिचारी और चोर ये तीनों ही सुवर्ण ढूंढते हैं। कवि तो सुवर्ण अच्छे अच्छे अक्षरों को ढूंढते हैं, व्यभिचारी सुंदर रूप को ढूंढता है और चोर सोना ढूंढता है। कवि भी किसी श्लोक की रचना कर रखता है तो उसका हृदय धड़कता है, मानो उसके यह भाव आता है कि श्लोक बढ़िया लिखा जाए। श्लोक के चार चरण होते हैं, व्यभिचारी और चोर का भी चरण रखते हृदय धड़कता है कि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। नेक ना भावत शोर, चोर को और व्यभिचारी को शोर नहीं भाता है कहीं किसी को पता लग जाए हमारे व्यभिचार या चोरी का। इन तीन इस तरह तीनों सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं। इस उदाहरण से रघुनाथ जी महाराज का रूप लिया गया और लोभी प्रिय जिमे दाम, लोभी की तरह मेरे को भगवान का नाम प्यारा लगे और लोभी को सुंदर रूप नहीं प्रत्युत संख्या प्यारी होती है। उसको एक रुपए का नोट बढ़िया गड्डी में से निकाल को दे दो या फटा हुआ दे दो, उसे एक रुपये पाँच रुपये उसे चाहिए है ना, उसे कोई मतलब नहीं पुराना नोट है या नया नोट है। लोभी एक रुपये का सुंदर नोट नहीं लेगा, पुराना मैला फटा दस रुपये का ही लेगा। एक रुपया सुंदर है तो क्या करें, पर दस का नोट पुराना ही सही पर दस है ना, उसमें संख्या ज्यादा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुंदर रूप राम जी का प्यारा लगे और नाम की गिनती बढ़ाता ही चला जाए। रूप कैसा प्यारा लगे, जैसे कामी को नारी प्यारी लगती है, और नाम कैसा प्यारा लगे राम जी का, जैसे लोभी को धन प्यारा लगता है। माधव जी से मिलना कैसे होए, सबल बैरी बस घटे भी बसे घट भीतर कनक कामिनी दोए। एक तो स्त्री और एक रुपयों की गिनती, इन दो की जगह क्या करें, इनमें संसार की सुंदरता की जगह तो रघुनाथ जी की सुंदरता को रख दें, संसार की सुंदरता की जगह राम जी की सुंदरता को बिठा दें, और रुपयों की गिनती की जगह भगवान के नाम को बिठा दें, रुपयों की गिनती की जगह भगवान के नाम को बिठा दें। इस तरह दोनों की खाना पूर्ति हो गई, सुंदरता भगवान के रूप की और गिनती उनके नाम की करो। इतना कहने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कहा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ हूँ मोहे राम। दादा को प्रणाम। इसमें कहा तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहे राम, निरंतर नहीं होगा तो गलती रह जाएगी। सांसारिक रुपए हैं तो प्यारे और अच्छे भी लगते हैं, परंतु जब इंक्वायरी आ जाती है तो दो नंबर के रुपए भीतर रखे हैं। इधर सिपाही आ जाते हैं तो मन से यह इच्छा होती है कि कभी रुपए ना ही होते तो अच्छा था, कभी रुपए ना ही होते तो अच्छा था। रुपयों का लोभ होने पर भी वह रुपयों को नहीं चाहता, उसी तरह भोगों को भी निरंतर नहीं चाहता। गोस्वामी जी दृष्टांत में कहते हैं कामी और लोभी को रूप और दाम प्यारे तो लगते हैं, पर प्रियता में कभी कभी अंतर भी पड़ जाता है। हमारे श्री रघुनाथ जी के रूप और नाम की प्रियता में कहीं अंतर नहीं पड़ता, कभी अंतर नहीं पड़ता महाराज। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, कैसे, जैसे कामी को स्त्री का प्यारा लगता है, और भगवान का नाम कैसा प्यारा लगे, जैसे लोभी को धन प्यारा लगता है। और बढ़े और नाम जप हो,
और नाम जपो, ऐसे भगवान का नाम प्यारा लगना चाहिए। एक बड़े अच्छे संत हुए जिनका नाम था श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, दादा पूज्य भी आएंगे पता नहीं। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी हुए, बरसाना के रहने वाले थे। बरसाने के भानुकुंड तीर पर जगन्नाथ दास बाबा की कुटिया है। जगन्नाथ दास बाबा वर्धमान के हैं। युवा अवस्था में राधा रानी की कृपा अभिलाषा हृदय में लेकर यहाँ चले आए थे। कहाँ पर? बरसाने में। बहुत दिनों से वैराग्य अवलंबन कर यहाँ रह रहे हैं और बड़े निष्किंचन महात्मा हैं। मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह करते, पर उनकी कुटिया में छोटी छोटी पोटलियाँ और मटके मटकियाँ क्या हैं, इनमें गुड़ है, चावल है, पुरानी इमली है और हरड़, बहेड़ा, आंवला, चूरन, चटनी आदि औषधियाँ रखी हुई हैं। उनकी जो कुटिया थी उसमें रखी हुई थी। यह सब साधु वैष्णवों और ब्रजवासियों के लिए हैं। बाबा स्वयं तो मधुकरी में प्राप्त रोटी के टुकड़ों के सिवा और कुछ लेते नहीं। साधु वैष्णवों के लिए तरह तरह की औषधियाँ अपनी कुटिया में रखते थे और अन्न आदि जुटाकर रखते। आवश्यकता पड़ने पर अपने हाथ से रसोई बनाकर साधु संतों की सेवा करते थे। पर इस समय बरसाने और आसपास के गांवों में भयानक दुर्भिक्ष के कारण त्राही त्राही मच रही है। बाबा को ब्रजवासियों के घर मधुकरी के लिए जाने में बड़ा संकोच हो रहा है। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। जो बाबा थे, कुटिया में जो थोड़ी बहुत सामग्री है वह तो साधु वैष्णवों के लिए रखी है, उसे अपने प्रयोग में नहीं लेते बाबा। बरसाना छोड़कर जाना भी वे नहीं चाहते। भैया बरसाना छोड़कर जाएं कहाँ? कहीं अन्यत्र जल जाने की सोचते तो हृदय में आग लग जाती कि श्री जी को पाने के लिए बरसाने में आया और बरसाना छोड़कर एक रोटी के टुकड़ों के लिए बरसाना छोड़ जाऊं। तो ऐसा उनके मन में आता तो धक धक हृदय में आग लग जाती, सांस लंबी खींचने लगते और नेत्रों से गंगा यमुना बहने लगती उनकी। कई दिनों से बाबा मधुकरी को नहीं जा रहे हैं, आखिर कब तक निराहार रहते। विवश होकर उन्हें बरसाने से उन्होंने जाने का निश्चय किया, पर जो एकमात्र राधा रानी के चरणों का सहारा लेकर उनके स्थान में हमेशा के लिए डेरा डाल चुका है, उसे कब वे अपने से दूर करना चाहती हैं। श्री जी कहाँ कब किसी को निकालती हैं, वो तो सदा के लिए रख लेती हैं। ब्रज के भक्त में एक हमारे गुरुजी आए हैं क्या, राधा रमन जी, राधा चरण दास बाबा जी हुए, तो नहीं तटीय स्थान वाले नहीं, तो राधा चरण दास बाबा जी हुए, तो उनको जब वो एक बार कलकत्ता गए थे, कलकत्ता गए तो भैया पूरा जीवन उन्होंने ब्रज में काटा। जब ब्रज में काटा वो कलकत्ता चले गए, वहाँ जाके बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टरों ने देखा बाबा को, बाबा को देखा तो बाबा को देखते कहने लगे ये बाबा तो सुबह तक जिएगा नहीं, सुबह तक प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इसके उदर में रोग है और ये जी नहीं पाएगा। तो भैया जब ऐसा डॉक्टर ने कह दिया तो बाबा ने चित्त में उनके हलचल मची कि पूरा जीवन ब्रज में और मृत्यु कलकत्ता में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कातर भाव से रात्रि में ही राधा रानी से प्रार्थना करी, हे किशोरी जी मौत कैस कोई अपराध बन गए हो क्या है? जो मुझे आपने ब्रज से बाहर निकाल दियो। और महाराज खूब रोने लगे। ऐसा रोते रोते महाराज रात्रि में श्री जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हुए और दोनों ने उनके उदर पर हाथ लगाया और वो रोग पूरा ठीक कर दिया, रोग ठीक कर दिया। और सुबह जब डॉक्टर आया तो देखा बाबा जग भर के दूध पी रहे थे। बाबा जग भर के दूध पी रहे थे। बाबा डॉक्टर कह रहे हैं बाबा तो सुबह तक निकलने वाले थे,
ये जीवित कैसे रह गए। श्री अरदास कह के निकल गए, पैसे नहीं है मेरे पास गिरदारी। तो बाबा निकल के फिर वापस आए ब्रज और खूब भजन किए। ऐसे ही पूज्य मलुकपीर सरकार बताते हैं, शायद धर्म संघ वाले गुरुजी थे या कोई और थे, मेरे को ध्यान नाम ध्यान नहीं है। उनको उनके गुरुजी ने कहा था कि भाई भागवत कथा करना तो पूरा जीवन ब्रज में रह के करना, ब्रज में रह करके करना। तो उन्होंने वही परिपाटी निभाई थी। तो क्या हुआ कि उनको कोई रोग हुआ और रोग होने के बाद उन्हें ले गए कहाँ पर, आगरा ले गए शायद। तो वहाँ लेकर के गए तो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे कमरे के अंदर। तो उन्होंने प्रार्थना भिजवाई कि एक बार भक्तमाली जी महाराज का दर्शन हो जाए, पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज का। उस समय जब ये भिजवाया तो पूज्य मलुकपीठ सरकार वहाँ कथा कर रहे थे, महाराज जी कथा में विराजमान थे पूज्य भक्तमाली जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बीमार पड़े हैं तो हमें जाना है। तो महाराज जी ने कहा मैं भी चलूँगा। तो जब गए तो वहाँ पर जा कर के देखा, वो धर्म संघ वाले गुरु जी जो थे वो बीमार पड़े हुए थे। तो जैसे ही पूज्य भक्तमाली जी महाराज को देखा तो नेत्रों से आंसू बहने लगे, भैया कोई संत आ जाए और कोई भक्त मृत्युशैया पे पड़ा हो बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो, और संत आया तो अपने आप फपक के रोता है हृदय कि मेरे गुरुदेव आ गए, मेरे गुरुजन आ गए, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु यहाँ आगरा में होगी क्या? तो महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कह के महाराज जी आगे बाद में ठीक हो गए। लेकिन जब वापस आए तो पूज्य मलुकपीठ सरकार ने पूछा कि गुरुदेव पूरा जीवन ब्रज में काटा, पूरा जीवन ब्रज में काटा और अब अंत समय में बाहर मृत्यु ब्रज से, ये कौन सी बात है? तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि पंडित जी ये कलयुग है, ना जाने कहां से कहां उठा के फेंक देगा। पर पंडित जी एक बात ध्यान रखना, जिसके मुख में नाम है ना वो जहां है वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा, जिसके मुख में नाम है वो जहां है वहां ब्रज प्रकट हो जाएगा। ऐसी बात बोली तो महाराज जी कहने लगे हमारा हृदय गदगद हो गया। ऐसे एक बार शायद मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने, धर्म संघ वाले गुरु जी ने कहा था कि अब पूज्य भक्तमाली जी महाराज रुग्ण हो गए हैं, स्वास्थ्य खराब हो गया, अब इन्हें कथा कहने के लिए ब्रज से बाहर मत भेजा करो, आप समझा दो जरा। तो मलुकपीर सरकार ने कहा कि गुरु जी हम नहीं समझा पाएंगे, आप ही कह देना कुछ, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है गुरु जी सुबह सुबह। तो कहने लगे फिर भी मैं प्रयास करूंगा। तो भक्तमाली जी महाराज सुबह सुबह राम नाम लिखते थे, तो उस समय उस दिन जल्दी से पूज्य मलुकपीर सरकार पहुंचे और कहने लगे गुरुदेव एक बात कहनी। कह रहे पंडित जी आज इतनी जल्दी सुबह सुबह? तो कहने गुरु जी एक बात कहनी थी। बोलिए पंडित जी। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी अब आपने कथा कहने के लिए बाहर मत जाया करो, अब आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, ना जाने कुछ अनहोनी घट जाए ब्रज से बाहर, शरीर छूट जाए। इतना बोला तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि पंडित जी क्या हो जाएगा, शरीर बाहर चला जाएगा तो टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, ये श्री विग्रह खंडित हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा प्राण ही तो निकल जाएंगे। पंडित जी जहां प्राण निकलेंगे ना वहां ब्रज प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हम निरंतर ब्रज में ही रहते हैं, हम निरंतर ब्रज में ही रहते हैं, ब्रज से बाहर जाते ही नहीं है। तो महाराज जी कह रहे थे कि इन संतों का जो चिंतन है ना वो निरंतर ब्रज का रहता है, हर समय वृंदावन के बारे में सोचते रहते हैं, तो इन्हें परवाह नहीं होती। फिर जैसे मीराबाई जी हर समय मेड़ते में ब्रज प्रकट कर दिया, मेड़ते में ब्रज प्रकट कर दिया। और श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के जो शिष्य थे, राधा रमन जी कौन से थे मेरे को शायद याद नहीं आ रहा, एक तो वनचंद्र जी तो उनके सुपुत्र हुए हैं, एक और थे जिन्होंने वहां पर बाहर मधुकर, वो कौन सा है मधुकर शाह जी का जो रियासत है उसमें वहाँ प्रकट कर दिया था उन्होंने, हैं ओरछा में, ओरछा में ब्रज प्रकट कर दिया। किस नाम से? श्री हरिवंश नाम का स्मरण करते थे ध्रुवदास जी महाराज। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, सिर्फ यही जपते थे अपने गुरु जी का नाम।
उस नाम से वहां ब्रज प्रकट कर दिया। तो ये नाम की महिमा है। तो ये जो संत थे श्री जगन्नाथ दास बाबा, ब्रज छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, पर किसी कारण से जाने का बना, क्योंकि मधुकरी ला नहीं पा रहे थे, बरसाने में शायद कुछ दिक्कत चल रही थी, ब्रजवासी के पास स्वयं के लिए कुछ नहीं था। तो श्री जी कब किसी को दूर करना चाहती हैं कहां से, उसके जाने का विचार मन में आते ही श्री जी के हृदय में क्या कम धक धक हुई होगी, भैया भक्त बरसाना छोड़ के जा रहेगा तो क्या कम धक धक होगी क्या, भैया भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं, आसक्त रहते हैं भगवान हम में। मैं सुनाता हूँ ना, कई बार एक भक्त थे जिन्होंने निश्चय कर लिया, कहीं से सत्संग में बात सुन ली कि भगवान को निरंतर 12 साल तक एक सेवा दी जाए तो सिद्ध हो जाती है। तो उन्होंने सिद्ध करने के लिए एक सेवा ले ली कि मैं माला पहनाया करूँगा नंदगांव में ठाकुर जी को, और फिर ठाकुर जी की सेवा सिद्ध हो जाएगी तो ठाकुर जी मुझसे मिलने आएंगे। उन्होंने ऐसी सेवा ली और महाराज 12 साल का इंतजार करने लग गए, और रोज माला पहनाते, बढ़िया बढ़िया सुंदर पुष्पों की माला बनाते और ठाकुर जी को धारण कराने के लिए नंदगांव में ठाकुर जी के विग्रह को जा करके पहनाते। 6 साल बीते 7 बीते 8 बीते और लास्ट में जब 2 साल बच गए तब तो और धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई कि अब तो मेरी सेवा की सिद्धि हो जाएगी, अब ठाकुर जी मेरे से मिलने आएंगे मेरी कुटिया में। सच बताऊं, जो पूज्य भैया कहते हैं, जो ईमानदारी से साधना करता है ना, जो ईमानदारी से भजन करता है, उसके जीवन में भगवान का प्रादुर्भाव ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हमारी साधना में कहीं कमी रहती है इसलिए हमारा मन इधर उधर उछल कूद मचाता फिरता है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने ही संतों के मुख से सुनता हूँ कि भैया, फिर समझ में आता है, कई बार मन कहता है अंगद दास इतना भजन, बाबूजी से प्रेम, बाबा से प्रेम, ठाकुर जी से प्रेम, और फिर मन ही मन भगवान को आ जाना चाहिए। फिर दूसरा मन कहता है सकल देखिए है, कितना भजन, 16 माला करता है, खूंटी पे टांग देता है, सत्संग दूसरों को सुनाने के लिए तो बहुत प्रवचन है, खुद एक बात मानता नहीं, भगवान चाहिए, चल आज्ञा से, अपने आप ही उत्तर देता है मन। पर निराश नहीं होना है, बाबू जी कहते हैं निराश नहीं होना, इस मार्ग में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। तो मैं कहाँ था, नंदगांव के जो बाबा थे उन्होंने नियम ले लिया, 12 साल का 2 साल बचे, अब वो 2 साल भैया वो 12 साल जैसे लगने लग गए, अब बार बार 6 महीने कटे, फिर 1 साल बीता, फिर लास्ट साल आ गया, 6 महीने बचे, फिर 6 दिन बचे, अब तो तैयारी पे लग गए बाबा कि अब 56 भोग बनाऊंगा और ठाकुर जी को पवाऊंगा। भाई 56 भोग बनाया बढ़िया से, सारी व्यवस्था, आखिरी दिन था कि आज तो मैं सेवा दे के आऊँगा और ठाकुर जी राजभोग में मेरे घर आ जाएंगे। गए और फटाफट श्रृंगार में फटाफट गए और ठाकुर जी की माला पहनाई, और ठाकुर जी आ जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, राजभोग तक अपना। अब उन्हें थोड़ी पता था 2:30 बजे हो रही है राजभोग, 3 बजे चल रही है राजभोग। पता चला राजभोग ने रात्रि में पट खुले, ऐसा भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आराम से आना प्रभु, आराम से। अब जाके अपनी कुटिया में बैठ गए, अब भोजन सामग्री वगैरह सब बना के तैयार रखी थी, आएंगे प्रभु और 56 भोग लगाऊंगा, राजभोग निकल गई। अब सोचने लगे, सोचा होगा यार थोड़ा घूमिया हूँ गोचारण पे, सखाओं के साथ चला जाऊँ, इससे तो फिर मिल लूंगा, कोई बात नहीं, हम भी इंतजार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और जब गोचारण से लौटेंगे तब प्रभु आएंगे, सबके साथ मेरे से मिलेंगे। हा हा, उत्थापन का इंतजार कर रहे हैं, पद गा रहे हैं गुरु जी की तरह मेरे, कि सांझ लो रहो कैसे जाए, कि माधव तुम भिन्न रहो कैसे जाए। भैया सांझ भी आ गई, उत्थापन भी निकल गया, पट खुले नहीं। तो अब शयन में पता चला शयन दामोदरपुर भी लगा दी। शयन दामोदरपुर भी लगा दी, ठाकुर जी इंतजार कर रहे आरती का,
नहीं, शब्द मत डालो मेरे मुंह में अपने। तो क्या हुआ कि वो जो इंतजार करने लगे, रात्रि हो गई, सोचा रात में आ जाएंगे आराम से, दोनों आराम से सोएंगे आज हैं, ठाकुर जी रात्रि में आएंगे। और रात भी हो गई तो सोचा हो सकता है सखाओं वखाओं के साथ थक गए, इधर उधर बैठ गए, ब्रज है, ब्रज में तो क्या पता रात्रि में दो चार दोस्तों के साथ बैठ गए होंगे, लेट हो गए होंगे, कोई बात नहीं सुबह तो आ ही जाएंगे, सुबह मंगला से पहले अपने पास होगा बंदा। सुबह हो गई, कोई ना आए, अब मंगला के पट नहीं खुले, बंदा सोता रह गया। प्रहलाद को फोन कर रहे हैं, प्रहलाद कह रहे हैं मैंने तो दूसरे की सेवा लगा दी थी। दूसरे को कहा, वो कह रहा है भाई मेरी सेवा किसी ने पहले दी थी, मैंने उसकी लगा दी थी। वो कह रहा है मैंने फिर ठाकुर जी प्रहलाद स्वयं बन के आए, जनेऊ धारण किया और खुद से खुद की सेवा दे रहे हैं, खुद से खुद की सेवा दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है प्रभु, यहाँ असंभव के लिए जगह नहीं है गोपाल। जिस दिन गोपाल 7:30 आता है ना, मैं समझ जाता हूँ आज गोपाल के रूप में भगवान आए हैं, क्योंकि गोपाल नहीं हो सकता 7:30। लेकिन ये आते हैं भैया, दादा की बात जितनी ये मानते हैं उतनी शायद ही कोई मानता हो, है ना? मनवाते हैं वो अलग बात है, लेकिन मान जाते हैं, ये प्यार बहुत करते हैं दादा से, ऐसा प्यार इनका मुझ में भी हो जाए तो काम हो जाए। किस्सा तमाम हो जाए। तो मंगला सुर हो रखी है तुमने, वहां भटका दिया मुझे, बाबू जी गेट पे खड़े हैं। तो मंगला शुरू हुई भैया, मंगला में भी नहीं आए ठाकुर जी, अब वो बाबा जी ने कहा कि अब तुम नहीं आए तो हम चले। उन्होंने 56 भोग सारे थैले में पैक करे, थैला उठाया, अरे अब ले तू 56 भोग, और महाराज ताला लगाया कुटिया में। हाँ वहीं चलेंगे, मैं बरसाने ही जा रहे हैं हम अभी, वहीं चलेंगे, आप कर ले चलेंगे, पर जान नहीं देंगे। कृपालु तो हैं पर हमारे ठाकुर अलग किस्म के, थोड़े सिस्टम ऐसा बना रखा ठाकुर जी ने, नंद गांव से रास्ता पार नहीं होने देता बंदा। तो जैसे ही जाने लगे ताला लगा दिया और 56 भोग लेके चले, तो जैसे ही रास्ते में पहुंचे थे नंद गांव से, वो रास्ता पकड़ा उन्होंने पीछे वाला और पकड़ के पगडंडियों से खेतों खेत जाने लगे, तो भाई देखा गाय ग्वाल बाल सब आ गए, और महाराज एक छोटा सा लड़का है, और काशनी में बाबा कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया बरसाने जा रहे हैं। अरे बरसाने जा रहे हैं बाबा, खुशबू बहुत आ रही है। कहाँ है इसमें थैला में? कह रहे तेरी बड़ी नाक चल रही है। और तुरंत के तुरंत कहा कि बाबा कछु खुआए दे, बहुत भूखा हूँ, गाय वाय चरा के आ रहा हूँ, हैं कुछ खुआए दे। तो उन्होंने कहा कि यार तुम नंद गांव वाले खाने में बहुत होशियार हो, एक वो नंद का लाला है, इतने साल तक मैंने उसकी सेवा करी, कोई फल ना दियो आयो ही नहीं दर्शन देने के लिए, और अब तुम खाने के लिए मांग रहे हो, तुम सब एक जैसे हो, श्री जी कृपालु हैं, हम तो श्री जी के पास जाएंगे, बाबा कुछ खवाए तो दे, कर चल तू खा ले यार, तू बैठे। तो बाबा ने उसमें 56 भोग में से ब्रेड पकौड़ा निकाला। ब्रेड पकौड़ा निकाला तो ने, अरे ब्रेड पकौड़ा क्या दे रो है? सावन चल लो घेवर ला दे। घेवर छुपा रहे मावे वाला है? और बाबा ने कहा ठीक है, और जैसे ही निकाल बाबा दे खवाए दे अपने हाथों से, हाथ दे गोबर में भरे पड़े हैं यार तू है। तो जैसे ही खवाने लगे हूँ और जैसे ही मुख में उनके कोर दिया, उन्होंने कहा बाबा ने ऊपर तो देख ले। जैसे ही ऊपर देखा तो भैया अपने ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए,
कहे बाबा जानो नहीं है यहाँ पे, जाने नहीं देंगे तुझे। क्या करे थ्री इडियट, जाने नहीं देंगे तुझे। तो वे ठाकुर जी ने रोक लिया, ठाकुर जी ने जाने नहीं दिया। तो भगवान की भी आसक्ति भक्त में हो जाती है जब वो भजन करता है। तो ऐसे श्री जी ने जगन्नाथ दास बाबा जी को जाने नहीं दिया और श्री जी के मन में धक धक हो गई। बाबा जैसे ही डेरा डंडा लेकर बरसाने से जाने को हुए अपना, एक किशोरी ब्रजवाला ने आकर के पूछा बाबा से, बाबा कहाँ जा रहे हो? जाऊं हूं कहीं, बाबा ने कही। नेत्रों में बाबा के आंसू थे। बालिका ने पूछा, क्यों जा क्यों रहे हो यहां से? अरे पेट को तो कछु देनो ही पड़ेगो लाली, है पेट को तो कछु देनो ही पड़ेगो, तेरे हिया मधुकरी को टोटो बह गयो है, यहाँ बरसाने में मधुकरी ना मिल रही है। बाबा क्या कह रहे हो, यहाँ तो इतना है सब कुछ है, मेरे घर क्यों नहीं आए तू? आले में मधुकरी राखी है तेरे ताई, आके ले ले, पर तू कहीं जानू मत। बाबा भूखे तो थे ही, सोचा जब बालिका के घर वालों ने मेरे लिए मधुकरी रखी है तो खा पी कर ही जाना ठीक है, जाऊंगा तो सही पर खा पी कर निकलूंगा। वे लौट गए अपनी कुटिया को, सामान वहां रखा और माला झोली हाथ में लेकर नाम जप करते हुए उस ब्रजवासी के घर पहुंचे जो उस लाली ने बताया था। ब्रजवासी ने बाबा को देखते ही कहा, बाबा जा समय तो मधुकरी है ना, आगे क्यों नहीं आयो? तो बाबा ने कही, तेरी लाली ने बुलायो भैया, तेरी लाली ने कही हमारे घर आ ले, वहां पे रखो है। तो ऐसी बात बोली, लाली की बात सुन ब्रजवासी चौंका, क्यों लाली न जाने कब की ससुराल गई हुई हमारी, तो हमारे तो यहाँ है ही नहीं। पर उसने बाबा से कुछ नहीं कहा, घर में जाकर अपनी स्त्री से पूछा, बाबा के ताई मधुकारी कुछ रखी हुई है तेरे पास? अपनी स्त्री से पूछा ब्रजवासी। वैसे ही उसने उसकी स्त्री ने जो आले में आले की ओर आंख घुमाई तो वहां रोटियां रखी हुई थी और स्त्री ने कहा, यहां रोटी आई कहां से, मैंने तो रखी नहीं। ब्रजवासी ने फिर मधुकरी के रहस्य के बारे में बाबा से कुछ न कहा, रोटियां उन्हें देते हुए बोला, बाबा रोटी रोज आए के ले जाया कर, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। बाबा ने बरसाने से जाने का विचार छोड़ दिया, रोज उस ब्रजवासी के यहां से मधुकरी लेने लगे। उस ब्रजवासी परिवार पर आज भी राधा रानी की प्रचुर कृपा है, जिस घर से वो रोटियां प्रकट होती थी प्रचुर कृपा है। गौड़िया वैष्णव जीवन के लेखक ने लिखा है कि वनखंडी नाम के उस परिवार के वर्तमान वंशधर ही बरसाने में सबसे अधिक संपन्न और सुखी व्यक्ति हैं। आज भी जगन्नाथ दास बाबा के वेश के शिष्य श्री प्राण कृष्ण दास बाबा जी भी शरीर छोड़ने के उपरांत उस परिवार से मधुकरी लेने अवश्य जाया करते थे। एक बार जगन्नाथ दास बाबा के कनिष्ठ भ्राता उनके दर्शन के लिए बरसाना आए, उन्हें ब्रजवासी के घर की मोटी रोटी खाते देख उन्होंने कहा, दादा यह क्या कंडों के समान खा रहे हो, इतनी मोटी मोटी रोटी, तुम्हें क्या वर्धमान के सीता भोग की याद नहीं आती? बाबा ने उत्तर दिया, भाई मैं एक घंटे का फकीर हूँ, 23 घंटे का बादशाह हूँ, एक घंटे का फकीर हूँ, 23 घंटे का मैं बादशाह हूँ। क्या अद्भुत बात बोली, मेरे को तो इतना अच्छा लगा ये सुन के कि भैया भजनानंदी वाकई में बादशाह होता है, 1 घंटे का फकीर बस। तो ऐसे ब्रजवासी संत हुए जिन्होंने भजन को बहुत महत्व दिया, तो उनके जीवन में अपार कृपा भगवान की अनुभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे ही हम भी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लें, थोड़ा थोड़ा कितना दादा, दादा इतना ही जितने की व्यवस्था यहाँ बिठा रखी है, इतना ही बहुत है, 7:30 से 10 तक निभ जाए यही बहुत है। अगर ये निभ गया पूरा जीवन तो पूज्य भैया कहते हैं किसी को कुछ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब प्राप्त हो जाएगा, राधा माधव जी दर्शन भी दे देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।